हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपन देखते हैं जो अपने कंप्यूटर का सीपीयू होता है, वो सीपीयू है उसमें कौन कौन से बटन होते हैं और उसके अंदर है वो क्या क्या लगा हुआ होता है। तो सबसे पहले अपन सीपीयू को बाहर से देख रहे हैं। बाहर से ये इसका डीवीडी राइटर, जहाँ पे सीडी और डीवीडी आप दोनों चला के देख सकते हो। यहाँ से बटन दबाओगे तो ये बाहर निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे सीडी या डीवीडी इसमें डालिए और फिर अपन उसमें जो भी है डाटा वो देख सकते हैं। उसके बाद में ये दो होते हैं यूएसबी पोर्ट, जहाँ पे अपन कीबोर्ड या माउस को भी लगा सकते हैं, या फिर जो पेन ड्राइव होती है उसको भी लगा सकते हैं। यह है रिस्टार्ट का बटन। जैसे कंप्यूटर भी चला रहे हैं, चलते चलते हैंग हो जाता है, तब ये रिस्टार्ट के बटन से अपन उसको रिस्टार्ट है कर सकते हैं। क्योंकि जब हैंग हो जाता है तो स्टार्ट पे जाके तो रिस्टार्ट कर नहीं सकते, तो यहाँ से अपने उसको रिस्टार्ट है कर सकते हैं। ये होता है पावर का बटन। पावर का बटन है, जैसे अपन बोर्ड में से बटन ऑन करते हैं, उसके बाद में यहाँ से इस बटन को दबाते हैं, पावर के बटन को, तब वो अपना कंप्यूटर वो स्टार्ट होता है। उसके बाद में अब अपन देखते हैं कि मेरे पीछे से इसकी जो बनावट होती है वो कैसी होती है, मेरे पीछे इसमें कौन कौन से पोर्ट है वो होते हैं। सबसे पहले ऊपरी ऊपर पंखा है, तो ये जो पावर सप्लाई होती है उस पावर सप्लाई के ऊपर लगा हुआ होता है कि उसको ठंडा रखने के लिए काम में आता है। उसके बाद में ये जो आपको पोर्ट दिख रहा है, इसमें जो पावर सप्लाई पिन होती है, मतलब जो करंट की पिन होती है वो यहाँ पे लगाई जाती है। उसके बाद में जो दो पोर्ट दिख रहे हैं, दोनों कीबोर्ड और माउस लगाने के लिए होते हैं। उसके बाद में जो अगला है, इसमें जो एलसीडी होती है अपने पास, एलसीडी या मॉनिटर एलईडी, उसको लगाया जाता है। यहाँ पे प्रिंटर को लगाया जाता है, जिस प्रिंटर की जो केबल इस तरह की आती है वो यहाँ पे लगाया जाता है। वरना तो आजकल जो भी प्रिंटर आते हैं, सभी केबल है वो यूएसबी होती है, तो उसके लिए जो यूएसबी पोर्ट है यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे प्रिंटर को लगा सकते हैं। अगर यूएसबी केबल का अपने पास कीबोर्ड माउस है तो वो लगा सकते हैं, या फिर जो पेन ड्राइव है वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जो इंटरनेट की केबल होती है वो लगाई जाती है। और जो नीचे तीन पोर्ट दिख रहे हैं, ये तीनों ये तो स्पीकर के लिए होते हैं दोनों, और ये होता है इनपुट के लिए। बोले अपने को अपनी आवाज़ को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना है, तब तो इसमें केबल लगाए काम में लेना होता है। और जैसे गाने सुनने हैं या फिर जो भी आउटपुट सुनना है, तो उसके लिए इसमें स्पीकर लगाई गई, उसमें गाने हैं वो चलाए जाते हैं। यहाँ पे जो पिन है, इस तरह की पिन है, वो इसमें आगे की तरफ भी होती है। जो आगे मतलब कि अपने जो स्पीकर होता है उसको अपन इसमें सामने की तरफ यहाँ पे भी लगा सकते हैं। यहाँ से जो वॉइस है वो रिकॉर्ड करने के लिए, और ये स्पीकर लगा के गाने सुनने के लिए काम में आता है। उसके बाद में अपन अभी देखते हैं कि जो अपना सीपीयू होता है उसकी बनावट में अंदर है उसमें क्या क्या होता है। तो उसमें अंदर में सबसे पहले ऊपरी ऊपर है पावर सप्लाई, जो ये क्या होता है, जो करंट की सप्लाई आती है उसको नियंत्रित करती है, और नियंत्रित करके जितनी पावर की सप्लाई आगे जरूरत होती है उतनी है वो आगे भेजता है। उसके बाद में इसमें होती है रैम, ये यहाँ पे जो पतली सी दिख रही है ये रैम है। रैम अपन इसे अपने कंप्यूटर में दो लगा सकते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। रैम को खोलना होता है तो बाहर साइड में जो है लॉक दिख रहा है, मतलब यहाँ पे लॉक है, इसको इधर खिसकाना है और इधर वाले लॉक को भी उधर खिसकाना है, फिर है रैम है वो, उसको खोल के अपन बाहर निकाल सकते हैं। अगला इसमें है ये सेल, मतलब मदरबोर्ड पे सेल लगा हुआ है। सेल से क्या होता है, जो अपने कंप्यूटर में डेट और टाइम चलता है उसको मतलब सही और करेक्ट चलाने के लिए काम में सेल को लेते हैं। ये कई बार क्या होता है, जैसे सेल खराब हो जाता है तो अपने कंप्यूटर को अपन जितनी बार स्टार्ट करते हैं उतनी बार उसमें 12 बजे का टाइम मिलता है, 12 बजे मिलते हैं, उसको टाइम को बार बार सेट करना होता है। अगर ये सेल डला हुआ है, ये सेल सही है, तो उसमें टाइम है वो सही दिखाई देता है। उसके बाद में ये जो पूरा बोर्ड होता है, पूरे बोर्ड को मदरबोर्ड बोलते हैं। मदरबोर्ड में जो प्रोसेसर होता है वो इस पंखे के नीचे लगा हुआ होता है। प्रोसेसर पंखे के नीचे, ऊपर ये पंखा है। पंखा क्या काम करता है, प्रोसेसर है वो गर्म ना हो मतलब ठंडा रहे, उसके लिए पंखा यहाँ पे लगाया जाता है। उसके बाद में इसमें सबसे ऊपरी ऊपर ये डीवीडी राइटर है, मतलब यहाँ पे डीवीडी चलाए काम में ले सकते हैं। अभी जैसे आपको सामने इसमें दिखाया था कि यहाँ से डीवीडी लगाते हैं, तो ये डीवीडी राइटर है। उसके बाद में डीवीडी राइटर के नीचे जो यहाँ पे लगा हुआ है, यह SSD मनी एक्सटर्नल लगा रखी है इसमें, वरना तो SSD और जो हार्ड डिस्क होती है दोनों में से एक लगा के भी काम है वो चल जाता है। ये होती है हार्ड डिस्क, जिसके अंदर की अपना जो
डेटा होता है कंप्यूटर का, वो इस हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। हार्ड डिस्क के बाद में उसमें जो केबल होती है, केबल में क्या होता है कि जो पावर सप्लाई होती है, पावर सप्लाई में से केबल आती है, एक दो केबल चली जाती है मदरबोर्ड पे लगा दी जाती हैं, और तीन केबल है वो एक हार्ड डिस्क में, एक एसएसडी में, और एक जो डीवीडी राइटर है उसमें लगा दी जाती है, जिससे कि इनको करंट की सप्लाई है वो मिल सके। फिर इनको मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए वापस इसमें केबल लगाई जाती है, जैसे ब्लैक कलर की लगा रखी है, एक रेड कलर की है, और एक ये फिर से ब्लैक कलर की है। तो ये वापस इनसे केबल मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं, जिससे कि इनका जो डाटा है वो मदरबोर्ड के पास पहुंच सके। ये होती है अपने जो सीपीयू होता है उसके अंदर की बनावट। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।